नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुहर्रम में जमकर हुड़दंग मचा। बिहार के अलग अलग इलाकों में मुहर्रम जुलूस में भारी बवाल देखने को मिला। कहीं पुलिस पर हमला किया गया तो कहीं दुकानदार की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई, कहीं लूटपाट की कोशिश की गई तो कहीं लाठी डंडे से हमला किया गया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए आपको मुहर्रम में हुड़दंग की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी पटना में मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर उत्पात मचाया गया। राजा बाजार मदरसा गली में उपद्रवियों ने दुकानदार को पीटा, दुकान लूटने की कोशिश की गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। ताजिया के नाम पर तांडव मचाने की ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि पीड़ित के ऊपर क्या कुछ बीता है। दुकानदार को लाठी डंडे से मारा गया है। मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर भारी विवाद हुआ, पुलिस की पिटाई की गई, पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई, पुलिस को पत्थर से मारा गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर में मुहर्रम को लेकर डीजे बांधा जा रहा था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जुलूस में शामिल लोग इसी बात से उग्र हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। ये देखिए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है घटना, जब दुकानदार को पीटा गया, हुड़दंग मचाया गया, हाथ में सबकी आप देख पाएंगे लाठी डंडे और कुछ हथियार, पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई। बता दें आपको पुलिस पर पत्थरबाजी, मुजफ्फरपुर की घटना सामने आई, सिपाहपुर की भी घटना है, पुलिस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। मुहर्रम में भारी बवाल। पटना के राजा बाजार की बात करें अगर तो पटना के राजा बाजार मदरसा गली में भी मुहर्रम जुलूस में भारी बवाल हुआ। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ की गई और दुकानदार की जमकर पिटाई भी की गई। मुहर्रम जुलूस में लूटपाट की भी कोशिश की गई। उपद्रवियों ने लाठी और डंडे से दुकानदार पर हमला किया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में आप भी देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और हंगामे की वजह से बता दें आपको आज शाम 4 बजे से प्रशासन ने अशोक राजपथ पर आवाजाही पर रोक लगा दी है। ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जिसके हाथ में जो आ रहा है उससे यहाँ पर एक दूसरे पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाठी डंडे लोगों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और लोग इधर से उधर देखिए किस तरीके से भागते फिर रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की जांच करने वाली है। तो जुलूस में लाठी डंडे से हमला किया गया, एक दुकानदार की पिटाई की, जुलूस में लूटपाट की भी कोशिश की गई। मदरसा गली में लूटपाट की कोशिश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। नहीं नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं, वो आया है एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है, इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर के बवाल काटा गया, लाठी डंडे चलाए गए, दुकानदार को पीटा भी गया है और दुकान में तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, जिस तरह से मुहर्रम को लेकर जगह जगह ताजिए निकाले गए थे और उस ताजिए की आर में ऊपर जो उपद्रवी तत्व है वो लगातार इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहे थे और राजा बाजार में भी देर रात यही हुआ जब मदरसा गली में ताजिया के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने दुकान पर हमला कर दिया। हालांकि कोई दुश्मनी नहीं थी ये दुकानदार भी के द्वारा भी कहा गया, लेकिन जानबूझकर दुकान को निशाना बनाया गया, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोग लाठी डंडों से दुकान पर प्रहार कर रहे हैं, दुकानदार को भी चोटें आई हैं। पुलिस हालांकि पहुंची थी, सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने छानबीन की है और मामले को दर्ज भी किया गया है। जी धर्मेंद्र, लेकिन देखिए त्योहार के नाम पर हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस मामले में अब पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है?
जिस तरह से जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और हो सकता है कि फिर अब सीसीटीवी के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां भी हो। लेकिन तत्काल जो जो दुकानदार था उसका बयान भी दर्ज किया गया है, दुकानदार को लेकर थाने भी लेकर गई थी अधिक जानकारी के लिए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जुटी हुई है। जी धर्मेंद्र, ये कब की घटना है? देर रात 10 बजे के आसपास जब ताजिए का जुलूस निकला था और मदरसा जलील ताजिए का जुलूस पार कर रहा था तो दुकान आमतौर पर कुछ दुकानें खुली हुई थी और जानबूझकर ताजिए के दौरान उपद्रवी तत्वों ने उस पर दुकान पर हमला किया। दुकानदार के मना करने के बावजूद भी वो लोग बार बार, करीब 7-8 की संख्या में थे, वो लोग बार बार लौट कर आ रहे थे और दुकान पर बार बार लाठी डंडे से हमला कर रहे थे। जी धर्मेंद्र, क्या जुलूस के लिए परमिशन लिया गया था प्रशासन से? ताजिए के जुलूस के लिए परमिशन की जहां तक बात है कुछ जगहों पर परमिशन मिला है लेकिन तौर पर हरेक गली मोहल्लों से ताजिए निकाले गए थे और कुछ जगहों पर परमिशन। लेकिन यहां पर मुजफ्फरपुर के ये मदरसा गली की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र, क्या यहां जो जुलूस निकाला गया, जो हुड़दंग मचा है, यहां पर क्या परमिशन लिया गया था? ये अनुसंधान की बातें हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है कि परमिशन लिया गया था या नहीं लिया गया था, लेकिन जो हालात है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जानबूझकर जो उपद्रवी तत्व है उन्होंने ये हरकत की है कि ताजिए का जुलूस जब वहां से निकल गया था फिर लौट के वो लोग करीबन 5-7 की संख्या में लौट के वो लोग बाहर पीछे लौटे थे और जानबूझकर दुकान को निशाना बनाया गया। हालांकि दुकानदार ने ये जरूर कही है कि कोई दुश्मनी नहीं थी, जानबूझकर और दुकान पर तोड़फोड़ किया गया, डंडों से दुकान पर हमला किया गया, जो सामान रखे थे उसे भी लूटने का प्रयास किया गया था, दुकानदार को भी इस दौरान कुछ चोटें आई थी। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए मुजफ्फरपुर से भी आपको खबर बता दें, मुहर्रम जुलूस को लेकर के जमकर बवाल काटा गया, पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी की गई, डीजे को लेकर के यहां पर विवाद हुआ। आपको बता दें कि अय्यापुर के सिपाहपुर की यह घटना है लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। एएसपी का यह कहना है, एएसपी सिटी एएसपी भानु प्रताप सिंह और एसडीएम अमित कुमार के मुताबिक मंगलवार 16 जुलाई को मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें पुलिस टीम को ही निशाना बना लिया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपापुर में मुहर्रम को लेकर डीजे बांधा जा रहा था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और इसके बाद वहां पर लोग उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान काफी भगदड़ मच गई, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। लेकिन देखिए डीजे बजाने को लेकर के यहां पर बवाल हुआ, चूंकि डीजे बांधा जा रहा था लेकिन पुलिस ने उसे जब्त कर लिया चूंकि डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंध था और इसी को लेकर वहां पर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए और पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी करने लगे, रोड़ेबाजी करने लगे। जुलूस में बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं, तो इसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, जो आप डीजे हटा दीजिए, तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या। सर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की भी सूचना है? हाँ थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है और अभी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई। डीजे का उपयोग किया जा रहा था तो पुलिस उस दौरान वहां पर आती है और उसको खोल के ले जाती है, तो उस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है और वो उस दौरान उसमें गहमा गहमी होती है, उसकी वजह से कुछ लोग पत्थरबाजी कर देते हैं, तो उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो ऑर्गेनाइजर थे उसके जुलूस के उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है, वो कर भी रहे लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मुहर्रम में पुलिस की तैयारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। देखिए जुलूस में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की जा रही है तो पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध। कैमूर से यह खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए डीजे बजाने की तैयारी चल रही थी, जुलूस में डीजे बजाने को लेकर के वहां पर तैयारी थी और आपको बता दें कि पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। ये बड़ी खबर कैमूर से आपको बता रहे हैं, मोहनिया के बड़ी बाजार में कार्रवाई हुई। आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है रोक के बावजूद भी मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में एक पिकअप पर डीजे बांधा जा रहा था,
कई साउंड बॉक्स लगे हुए थे और खबर मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची, कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया। मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया है कि मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक की थी। उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था कि डीजे नहीं बजेगा, लेकिन फिर भी लोग माने नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, अगर कोई डीजे बजाता है या डीजे बजाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहनिया थाना अंतर्गत एक पिकअप पूरा डीजे भरा हुआ था, उसको जब्त करके अभी थाना में रखी गई है। ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि रामगढ़ में भी कहीं डीजे का पिकअप पर है, तो उसके लिए हम लोग अभी धावा दल को भेजे हुए, क्यूआरटी टीम मेरी गई है, उसको भी हम लोग अविलंब जब्त करके और थाने में करके और विधि सम्मत उस पर कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके मना करने के बाद भी अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, अगर कोई डीजे बजाता है और पकड़े जाता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी मुहर्रम को लेकर के डीएम साहब भी पीस कमेटी किए थे और एसडीएम सर के साथ भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था लोगों को डीजे नहीं बजेगा और लोग मान भी गए थे मीटिंग में इस बात के लिए, मान भी गए थे कि ठीक है डीजे नहीं बजाएंगे। फिर भी कुछ लोग जो है ना डीजे उजे का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अभी बड़ी बाजार मोहनिया से भी डीजे जब्त की गई है और लोगों को अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह के काम में शामिल नहीं हो। और देखिए अब बात कर लेते हैं नवादा की, तो नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन झंडा लहराए जाने के बाद अब पुलिस अलर्ट है और अब जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए की जाएगी। देखिए जिले के सभी थानों में एक ड्रोन मुहैया कराया गया है, ताजिया जिस रास्ते से गुजरेगी उसकी निगरानी ड्रोन से की जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। देखिए फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के बाद अब पुलिस वहां पर अलर्ट मोड पर है, सीसीटीवी और ड्रोन से जुलूस की निगरानी वहां पर की जाएगी। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की बात सामने आई थी और आपको बता दें इसके बाद पुलिस काफी अलर्ट है, ड्रोन के जरिए वहां पर निगरानी रखी जाने की बात की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाए इसकी इसको लेकर अपील भी प्रशासन के द्वारा अब किया जा रहा है। बात करेंगे छपरा की, छपरा में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। जी हां, प्रेम प्रसंग के विवाद में हत्या की खबर, पिता और दो बेटियों की हत्या, धारदार हथियार से हत्या की खबर सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है छपरा में, रसूलपुर के थाना डी में यह वारदात। आपको बता दें कि पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है इस मामले में, पुलिस के संज्ञान में अब यह मामला है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दो बेटियों और दोनों बेटियों के पिता की हत्या कर दी गई है, प्रेम प्रसंग का एंगल इसमें दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दो आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है इस मामले को लेकर। रसूलपुर के थानाडीह में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे और क्या कुछ वजह है ये खुलकर अभी फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन छपरा से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एक महीना ले मेरी लड़की पहले बहुत देर दिन में बात की थी, तब कोई हमसे कहा हम लोग से लड़की के मत बतियावे दी, तब निकल से कि ठीक बतला कि अब बतियावल छोड़ दे रहे। एक दिन के दिन वही नहीं है के बात है, ढेर दिन के तो लड़कुआ कहते कि ना बतियाबी तो तारा के कहीं लायक ना छोड़े, तारा भाई के मुँह दे, तारा माई के मुँह, तारा बहन के मुँह, चोटकी बहन के मुँह दे, तारा बाबू जी के मुँह, तारा के मुँह दे, इसके होके ना दे केहू के, हमारे ना होके तो कोई के और के ना होके दे। रसूलपुर में प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना से सनसनी फैल गई है। यहाँ तीन लोगों की हत्या की गई है जिसमें एक पिता और उसकी दो बेटियां शामिल है। जो प्रारंभिक तौर पर कहा जा रहा है कि चांदी नाम की लड़की है जिसका प्रेम प्रसंग रोशन के नाम के लड़के से बताया जा रहा था, लेकिन बाद में गाँव वालों के विरोध के बाद इस प्रेम प्रसंग पर पूर्ण विराम लग गया था। लड़की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन रोशन जो है लगातार परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था बात करने के लिए, और इसी क्रम में बीती रात रोशन अपने दो साथियों के साथ उसके घर पर पहुंचा। जब परिवार वालों ने विरोध किया तो लड़की
लड़की के पिता और लड़की सहित तीन लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। वही रोशन की माँ किसी तरह से जान बचाने में सफल रही, जिनका इलाज अब सदर अस्पताल में चल रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। समस्तीपुर के दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर मारपीट और गोलीबारी की खबर सामने आई। दो गुटों के वर्चस्व की लड़ाई हुई दो गुटों के बीच में, और आपको बता दें कि इनकी लड़ाई गोलीबारी में तब्दील हो गई। गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। बताते चले आपको, जख्मी युवक के पैर में तीन गोलियां लगी। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के नगर गांव का ये रहने वाला जख्मी युवक सोनू झा। रेल पुलिस और दलसिंह शहर थाना की पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखिए, जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की कल सुबह हत्या की खबर सामने आई, और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी से चारों आरोपी की पहचान हुई थी। जीतन सैनी से दो लोगों ने पैसे उधार में लिए थे, और आपको बता दें कि पैसे के बदले जीतन सैनी ने उनकी बाइक गिरवी रखी थी। बाइक छुड़ाने के लिए देर रात चार लोग वहां पर पहुंचे थे। दो दिन पहले जीतन सैनी से उनकी कहासुनी भी हुई थी। दोनों ने जीतन सैनी को धमकी भी दी थी, और इसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हीं चारों लोगों ने मिलकर के जीतन सैनी की हत्या कर दी है। हालांकि इसके पीछे और क्या कुछ वजह रहा है, पुलिस इन बातों को खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या के बाद अब सियासत भी एक तरफ गर्म है। आपको बता दें कि हत्याकांड में पुलिस अब खुलासा भी कर रही है, चार लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और देखिए टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर, ये लाल बक्सा जो है घर के पीछे से मिला है। हालांकि अभी मर्डर वेपन पुलिस को हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो बक्सा मिला है इसमें और क्या कुछ है वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। लाल बक्से में क्या है ये बात अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये लाल बक्सा जो है घर के पीछे से ही बरामद किया गया है, और इसको भी संदिग्ध तौर पर देखा जा रहा है। घर के पीछे ही ये लाल बक्सा मिला है, पुलिस को हाथ लगी है। बता दें आपको, मर्डर वेपन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। तो पिता की हत्या के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दरभंगा के बिरौल में अपने घर पहुंचे। मुकेश सहनी के घर पहुंचते ही माहौल काफी गमगीन हो गया। पिता का शव देख मुकेश सहनी काफी भावुक हो उठे। मुकेश सहनी के पहुंचने के बाद वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हुए। मुकेश सहनी ने अपने पिता की अर्थी को कंधा भी दिया। जीतन सहनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तम आनंद हत्याकांड की। देखिए रांची से खबर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट में उत्तम आनंद हत्याकांड को लेकर सुनवाई हुई। धनबाद के जज थे उत्तम आनंद। बता दें आपको, मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई, दोनों आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं है। व्हाट्सएप चैट के लिए गृह मंत्रालय के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी गई थी। दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है हाईकोर्ट ने। बता दें इसके पहले सीबीआई ने इंटरपोल की धनबाद के वो जज थे उत्तम आनंद, आपको बता दें चले उत्तम आनंद के हत्यारे दो लोग जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। भव्य शादी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट आज मंगलवार को आपको बताते चलें कि जामनगर पहुंचे। माफ करिएगा, आपको बताते चलें कि मंगलवार की खबर है, और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जामनगर पहुंचे। जामनगर एयरपोर्ट पर लोगों ने पारंपरिक तरीके से नवदंपति का स्वागत किया। तो वहीं देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी अनंत और राधिका के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई थी। जामनगर की सड़कों पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के स्वागत के उत्साह में बैनर लगाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर उनके स्वागत में फूल बिछाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर नवदंपति के आगमन के उत्साह में लोग ढोल नगाड़ों की ताल पर भी खूब झूमे। लोगों को धन्यवाद देते हुए अनंत और राधिका फूलों से सजी हुई कार में सवार होकर एयरपोर्ट से रिलायंस टाउनशिप के लिए रवाना हुए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नजर डाल